यार मैं सुबह नमाज को आया था फिर देखने इनको, पर ये देख सकते हो आप, ये मर गया है। राजा हमारा हमें छोड़ के चला गया यार, बड़ा दुख हो रहा है यार, ये देख सकते हो आप। यार सुबह नमाज का टाइम था और मैं आया इनको, पर ये देख सकते हो आप राजा की हालत। यार बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे इसको देख के। वो देख सकते हो आप वहाँ पे रानी, वो भी डर रही है। अब हम इसको लेते हैं कहीं और, यहाँ पे जगह नहीं है, हमें कहीं और दफना देते हैं। क्या करें, अल्लाह की मर्ज़ी। हम तक जितना था हमने इसके लिए किया, पर इसको मरना था और ये मर गया। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लेते हैं कहीं, दफना देते हैं। अरे देख सकते हो हमारे राजे के बगैर रानी ये हमें पीछे ही आई थी वहाँ तक, मैं और मेरा पापा था। पर ये देख सकते हो आप रानी को, अब अकेली पड़ गई, बार बार बाहर जा रही है राजा को ढूंढने, क्योंकि इसको आदत नहीं है अकेले। तो अल्लाह की मर्ज़ी यार, अब देखते हैं हम लाते हैं इसके लिए दूसरा इंशाल्लाह। तो चलो हम मिलते हैं सुबह, चलते हैं खोलते हैं फिर अपने मुर्गों को। ये खोल दिए मैंने मुर्गे, आप देख सकते हो कड़कनाथ का मुर्गा, उसको टांगों को क्या हुआ है। तो पहले हम अपने चूजों के पास चलते हैं, पहले हम इन वाले चूजों को देखते हैं ये कैसे हैं। ओ यार 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 यार, यहाँ से भी एक बैड न्यूज़ मिली। अब वहाँ पे एक चूज़ा मरा हुआ है और यहाँ पे चार ही चूज़े हैं इसके। हम वो वाला चूज़ा निकालते हैं यार, पता नहीं आज सुबह से ही बैड न्यूज़ मिल रही है, यहाँ से भी एक चूज़ा मर गया है, वहाँ पे पड़ा हुआ है। पहले हम उसको उठाते हैं फिर दिखाते हैं आपको, इनको दाना डालते हैं। पहले हम चलते हैं छोटे वाले चूज़ों के पास। ये आप देख सकते हैं ये वाला चूज़ा मर गया, जो सुस्त था कल बीमार था वो वाला चूज़ा मर गया। अब बचे हैं इसके चार चूज़े, ये अब पता नहीं कैसे यार ये सब हो गया। आज सुबह सुबह ही इतनी बैड न्यूज़ मिली, पहले तो राजा का, अब इस छोटे चूज़े का। अब देखते हैं हम छोटे वाले चूज़ों को, उनको देखते हैं पहले। अब हम इनको चेक करते हैं, ये भी कल इनको भी लगी थी, ये कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब ठीक हैं और एक्टिव हैं सब, आप देख सकते हो। और इसको लगी थी टांग में और उसको, वो वाला ठीक हो चुका है पर उसको अभी भी थोड़ी सी है। इनको हम दाना पानी डाल देते हैं फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये दाना हम इनको डालते हैं, फीड और गेहूं के दाने, ये आप देख सकते हो माशाल्लाह से कैसे खा रहे हैं मुर्गी। पर इसमें घुसने की कोशिश कर रही है इसी से, ये देख सकते हो माशाल्लाह कैसे खा रहे हैं, इनको भी भूख बड़ी थी। पानी हम बाहर निकालते हैं, नया डालते हैं इनको। ये देख सकते हो इसको लगी है पैर में, वो दूसरा जिसको लगी थी वो ठीक हो चुके हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, ये बचेंगे, इनकी हम केयर अच्छे से करेंगे। जो एक बड़ी वाली मुर्गी का मर गया उसका बड़ा दुख हो गया, राजा भी सुबह मर गया यार, बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ मिली आज मुझे अपने सेटअप से। चलो कोई नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी, अब क्या करें हम। तो चलो हम चलते हैं बाहर, देखते हैं बड़े वाले मुर्गों को, उनको भी बंद कर देते हैं, इनको भी पानी डालते हैं और दूसरे मुर्गों को भी पानी डालते हैं। आप इस वाली मुर्गी को देख सकते हो, ये कितने फेदर्स खोल रही है जब मैं इसको हाथ ले रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गुड़प हो चुकी है। अब हम इसको अंडे दे सकते हैं, अब देखता हूँ मैं आज अगर मुझे किसी अच्छी नस्ल वाली मुर्गियों के अंडे मिले कहीं तो मैं इसको दूंगा, वरना इसको इस बार नहीं देंगे, नेक्स्ट टाइम देंगे। क्योंकि मेरे पास जो अंडे थे वो मैंने बाकी मुर्गियों को दे दिए और कुछ नीचे कुछ टूट गए, कुछ मुर्गियों ने ही खा लिए, ये देख सकते हो आप। हम देखते हैं बाहर कुछ असली नस्ल वाले, असील कड़कनाथ जैसे ये वाले अगर मिले मुझे कहीं तो मैं इसको ज़रूर अंडे आज दूंगा।